नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री डी एम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वह वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो देखिए, आज का प्लॉट जो है 21 फीट बाय 45 फीट का है, मतलब 21 फीट जो है हमारा फ्रंट है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 21 फीट है और लेंथ जो है हमारा 45 फीट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 45 फीट है। 21 फीट बाय 45 फीट में ये पूरा प्लान जो है हमने एडजस्टमेंट किया है, जिसमें देखेंगे तो ये जो है इस साइड में हमारा रोड है और बाकी की जो तीनों साइड है, तीनों साइड में दूसरों की जगह है, मतलब दूसरे के प्लॉट है। तो हमें जो है हमारा वेंटिलेशन हमारे प्लॉट में एडजस्टमेंट करना है, तो वो भी हमने किस टाइप में किया है वो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँगा। तो देखिए, ये जो रोड है, रोड से हम जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे हमारा मेन गेट रहेगा। मेन गेट से हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें पार्किंग का लिए एरिया मिल रहा है, तो पार्किंग का एरिया भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। लगभग 18 फीट 7 इंच मिल रहा है हमें यहाँ से लगभग 18 फीट 7 इंच का मिल रहा है, मतलब कार जो है हमारी आराम से पार्क हो सकती है। और 3 फीट 9 इंच का जो ऑफसेट छोड़ा गया है, मतलब यहाँ पे कुछ छोटा सा प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए छोटा सा गार्डन वगैरह बना सकते हैं आप। यहाँ पे 3 फीट 9 इंच का ऑफसेट छोड़ा गया है। तो देखिए, ये जो कार पार्किंग है, यहाँ लगभग कार जो है हमारे अंदर तक पार्क हो सकती है, यहाँ तक पार्क हो सकती है। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स है, ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे। और ये जो वरांडा है, इस वरांडे से एक तो हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं, मतलब हमारे स्टेयर जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, या तो हम लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा लिविंग रूम का। तो पहले हम स्टेयर को समझ लीजिए। देखिए, स्टेयर जो है हमारी सीढ़ी जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए, मतलब ऊपर की मंजिल तक जाने के लिए, यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और ये ऊपर ऊपर चल जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर ऊपर चल जाएगी और यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ पे पार्किंग के ऊपर जो स्लैब रहेगा, इस स्लैब पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो है स्टेयरकेस जैसे जैसे ऊपर चली जाएगी तो पार्किंग जो है हमारी कार लगभग यहाँ से अंदर तक चल जाएगी। ठीक है, मतलब पार्किंग के लिए काफ़ी बढ़िया एरिया मिल रहा है। लगभग 7 फीट 2 इंच है यहाँ से यहाँ तक ये वरांडा छोड़ के, और 18 फीट 7 इंच है लगभग यहाँ तक हम कार पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में ये 3 फीट जो है ये स्टेयरकेस के नीचे का पोर्शन, ये पार्किंग के लिए तो नहीं लेकिन कुछ सामान वगैरह रखने के लिए ये जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाद में हम एंट्री करेंगे लिविंग रूम में। देखिए, यहाँ पे जो है हमारा मेन डोर रहेगा लिविंग रूम का, यहाँ से हम एंट्री करते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम का साइज़ जो है हमें लगभग 12 फीट बाय 9 फीट का मिल रहा है, मतलब 12 फीट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक है और 9 फीट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक है। 12 फीट बाय 9 फीट का मतलब काफ़ी बढ़िया साइज़ है। प्लॉट के साइज़ भी छोटा है और 2 BHK प्लान एडजस्टमेंट करना है तो प्लॉट के साइज़ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और उसमें देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारा किचन दिया गया है, किचन का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, 10 फीट बाय 8 फीट का है, मतलब 10 फीट बाय 8 फीट का। और इस किचन को वेंटिलेशन जो है 2 विंडो दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो दोनों को वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और अगर आप चाहें तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो लगा सकते हैं लिविंग रूम को, तो यहाँ से लिविंग रूम को भी काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे भी एक विंडो लगा सकते हैं ताकि ये किचन की विंडो में से यहाँ पे भी लिविंग रूम को भी वेंटिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए, जनरल टॉयलेट बाथरूम का एरिया हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है हमारा टॉयलेट बाथरूम का एरिया नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, देखिए टॉयलेट है, 4 फीट बाय 3 फीट का इस टॉयलेट का साइज़ है, मतलब WC जो है, वाटर क्लोसेट जो है, ये 4 फीट बाय 3 फीट का है, तो रेगुलर साइज़ है। और इसको पीछे एक ओपन डक्ट रखा गया है 2.5 फीट का, तो यहाँ से इस टॉयलेट को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे बाथरूम दिया गया है लगभग 4 फीट बाय 7 फीट का है, मतलब 4 फीट बाय 7 फीट का है। और इसको वेंटिलेटर यहाँ पे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे भी ओपन डक्ट रखा गया है। यहाँ से इस ओपन डक्ट से इन दोनों को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और बाद में देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है 13 फीट 4 इंच बाय 9 फीट का है, मतलब 13 फीट 4 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में 9 फीट जो है 9 फीट जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है। उसको पीछे की साइड में एक डोर बताया गया है और एक विंडो भी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ओपन डक्ट रखेंगे क्योंकि इस साइड में हमारी जगह नहीं है, तो यहाँ पे जो है ओपन डक्ट रखेंगे, मतलब ओपन टू स्काई रखेंगे। नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे बालकनी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जो है हम यहाँ पे स्लैब नहीं डालेंगे, मतलब छत नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा कि इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाएगा।
और ये जो बेडरूम है दूसरी वाली, इसको भी काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिल सकता है। लास्ट में देखेंगे तो देखिए ये जो है हमारी, ये बेडरूम है 10 फीट बाय 10 फीट 2 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। और इसको भी एक पीछे साइड में एक डोर बताया गया है और एक यहाँ पर एक विंडो बताया गया है, क्योंकि इस साइड में हमने ओपन डक्ट रखा है तो यहाँ से हमें इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा और ये जगह जो है यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लॉट में इस साइड में भी जगह है तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी स्लैब डाल दीजिए। तो इस टाइप में ये 21 फीट बाय 45 फीट का 2 BHK प्लान हमने बनाया था विथ कार पार्किंग बनाया था। आशा करता हूँ कि ये प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह वीडियो शेयर करने की कोशिश करें और उनको भी इस चैनल पर लाने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से किसी न किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो प्लीज़ यह वीडियो शेयर ज़रूर करें, तो किसी और की भलाई में ही हमारी भलाई छुपी होती है। किसी के और के सपनों का प्लान हम अगर शेयर करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं तो हो सकता है हमारे सपनों का प्लान भी हमें मिल जाए। और अभी तक आपने आपके सपनों का या आपकी चॉइस का प्लान यहाँ पे हम आया नहीं है तो प्लीज़ कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। हम आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन इस चैनल पर लाने वाले हैं, हो सकता है आपके सपनों का प्लान आप तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।